हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ग्रेस। आज हम करेंगे एकोनाइट, जिसका कंप्लीट नेम क्या है, एकोनाइटम ने प्लस। इसकी कॉमन नेम क्या है इसका, मोंक्सहुड। इसको प्रूव किया था डॉक्टर हेनेमन ने। इसकी फैमिली है रेनिनकुलेसी। इट इज वन ऑफ द क्लार्क्स एबीसी नर्सरी। एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। ए से एकोनाइट, बी से बेलाडोना एंड सी से कैमोमिला। एकोनाइट क्या करती है, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। बेलाडोना टर्मोइल इन ब्रेन, कैमोमिला टर्मोइल इन टेम्परामेंट। टर्मोइल का क्या मीनिंग है, ट्रबल, ट्रबल कॉज कर देती है, ठीक है। एकोनाइट सर्कुलेशन में करेगी, बेलाडोना ब्रेन में और सी कैमोमिला टेम्परामेंट में। एंड फिर जो एकोनाइट है वो रेस्टलेसनेस का ट्रायो बनाती है। और बाकी कौन कौन सी रेमेडी है, एकोनाइट आर्सनिक और रस्टोक्स। एकोनाइट आर्सनिक रस्टोक्स तीनों मिलके ट्रायो बनाती है रेस्टलेसनेस का। और जो एकोनाइट है वो कैमोमिला और कोफिया के साथ मिलकर पेन पेन का ट्रायो बनाती है, ठीक है। एकोनाइट कैमोमिला कोफिया ट्रायो बनाते हैं पेन का। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। एकोनाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। एकोनाइट पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन, वो पेन में चिल्लाता है, उसको इतना ज्यादा पेन होता है, ठीक है। एंड पेन इज एसोसिएटेड विद नंबनेस। पेन एसोसिएटेड है नंबनेस के साथ। अब इसको हम निमोनिक्स के साथ करेंगे। ए से आ जाएगा एक्यूट ड्रग। एकोनाइट जो है एक्यूट ड्रग है, इसमें एंजाइटी ऑफ माइंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और एमिनोरिया देखने को मिलेगा, लिथोरिक यंग गर्ल्स में एमिनोरिया देखने को मिलेगा। एमिनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और इसका कोज क्या होता है, फियर और फ्राइट, ठीक है। और ए से क्या आ जाएगा, एक्टिव हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा होगा, प्योर एंड ब्राइट रेड। फिर सी से आ जाएंगे, सी से आ जाएगा कोजेशन। कोजेशन में क्या क्या है, फियर, फ्राइट, ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, शॉक, परस्पिरेशन, हीट ऑफ सन। और सी से वो एक और चीज आ जाएगी, चेंज पोजीशन क्वाइट ऑफन। जो एकोनाइट का पेशेंट है वो इतना ज्यादा रेस्टलेस है कि वो अपनी पोजीशन बार बार जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है। फिर ओ से आएंगे, ओ से है ओपन एयर एमिलोरेशन। जो इसकी कंप्लेंट्स है वो बेटर हो रही है ओपन एयर से। ऑब्जर्व मोरल सिम्टम। डॉक्टर हेनेमन ने कहा था कि एकोनाइट चूज करते टाइम हमें पेशेंट के मोरल सिम्टम्स देखने चाहिए, मोरल सिम्टम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर ओ से आ जाएगा, ऑन राइजिंग द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल एंड ही फील्स डिजी। जब पेशेंट उठ के चलेगा तो जो उसका रेड फेस है वो बहुत ज्यादा पेल हो जाएगा एंड ही फील्स डिजी। फिर एन से आ जाएगा नाइट एग्रवेशन। एकोनाइट में नाइट एग्रवेशन देखने को मिलेगी, नंबनेस होगी, नर्वसनेस। नर्वसनेस कैसी है, इंटेंस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस देखने को मिलेगी एकोनाइट के पेशेंट में। फिर आई से आ जाएगा इन्फ्लामेशन टेंडेंसी। इन्फ्लामेशन टेंडेंसी होती है एकोनाइट के पेशेंट की। टी से टेंशन। टेंशन जो है की नोट है एकोनाइट का, टेंशन इज द की नोट ऑफ एकोनाइट। और फिर टर्मोइल इन सर्कुलेशन। टाइम ऑफ डेथ, जो एकोनाइट का पेशेंट है वो प्रिडिक्ट कर देता है टाइम ऑफ डेथ। पेशेंट बता देगा कि मेरी डेथ इस दिन इस टाइम होगी, प्रिडिक्ट द डेट एंड इवन आर ऑफ द डेथ। आर्सनिक में क्या होता है, आर्सनिक में भी फियर ऑफ डेथ होता है लेकिन वो टाइम ऑफ डेथ प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन एकोनाइट जो है वो प्रिडिक्ट कर देता है टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। और फिर यू से आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। फिर एम से आ जाएगा मोंक्सहुड, जो कि उसका कॉमन नेम है, ठीक है। और म्यूजिक अनबियरेबल, म्यूजिक इससे बिल्कुल सहा नहीं जाता, मेक्स हर सैड, जिससे कि ये दुखी हो जाएगा, ठीक है। फिर और पॉइंट्स देख लेते हैं एकोनाइट में, निमोनिक्स के अलावा और कौन कौन से पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्स सडनली एंड वॉयलेंटली, जो एकोनाइट की कंप्लेंट्स है ये सडनली आएंगी और बहुत ज्यादा वॉयलेंट होंगी। लिथोरिक सैंग्विन पर्सन हु लेड अ सेडेंटरी लाइफ। अब किन में देखने को मिलेगी, मेनली लिथोरिक सैंग्विन पर्सन, जिनमें जो बॉडी फ्लूड है वो एक्सेस में होता है। और सैंग्विन पर्सन मीन चीयरफुल, होपफुल, ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ है उसमें एक्टिविटी बहुत कम है। मियाजम कौन सा है, सोरा। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, बहुत ज्यादा फियर रहता है एकोनाइट के पर्सन को, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी प्रोमिनेंट होती है। काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। काउंटेनेंस का क्या मीनिंग है, फेशियल एक्सप्रेशन। जो फियर है ना वो उसके फेस पर ही दिख जाएगा, वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है। अफ्रेड टू गो आउट, गो इन टू अ क्राउड, टू क्रॉस स्ट्रीट, बाहर जाने में भी उसको डर लगता है, क्राउड में भी नहीं जा सकता उसको डर लगता है, और स्ट्रीट क्रॉस करते टाइम भी उसे डर लगता है। स्किन ड्राई एंड हॉट विद रेयर स्वेट। स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी, हॉट होगी, और स्वेट जो है वो रेयरली दिखेगा, ठीक है। और दिखेगा भी तो जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उनमें देखने को मिलेगा। एकोनाइट पेशेंट थिंक्स डेट अनलेस प्रॉपर मेडिसिन इज टेकन ही इज गोइंग टू डाई एंड देयरफॉर वांट्स द डॉक्टर टू बी कॉल्ड इमीडिएटली। एकोनाइट का पेशेंट क्या सोचता है कि अगर उसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली तो वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला लेता है ताकि वो अच्छे से अच्छी मेडिसिन ले ले और वो ठीक हो जाए। लेकिन आर्सनिक का पेशेंट क्या करता है, आर्सनिक के पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो उसको डिजीज हुई है वो इनक्योरेबल है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, वो मर जाएगा, ठीक है। उसको ऐसा लगता है वो उसकी जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है, उसका कोई क्योर ही नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाता ही नहीं है।
ठीक है, शुड नेवर बी गिवन इन केस वेयर द सिकनेस इज बोर्न विद पेशेंट एंड कालमनेस. एक्विनाइट को कभी भी नहीं देना चाहिए जब जो सिकनेस है वो पेशेंस और कालमनेस के साथ हुई है. ठीक है, मेंटल कालमनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट एक्विनाइट. अगर मेंटल कालमनेस है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है एक्विनाइट को. एक्विनाइट के पेशेंट में तो हमें मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी. ठीक है, काल्म तो होगा ही नहीं वो पेशेंट. और एग्रवेशन किससे है, इवनिंग में एग्रवेशन होती है स्पेशली नाइट. ठीक है, एनसीएम ने देखा था ना नाइट एग्रवेशन. एमिलियोरेशन किससे है, ओपन एयर या फिर अनकवरिंग. ये थे एक्विनाइट के मेन पॉइंट्स और जिसमें मेनली हमने पूरी रेमेडी कवर कर ली है. ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.